हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पॉलीमर्स में फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स देखा था, आज हम जानेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। हमारा जो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स है वो को पॉलीमर है मेलामाइन का और फॉर्मल्डिहाइड का। यहाँ को पॉलीमर कहने का क्या मतलब है? को पॉलीमर्स यानी वैसा पॉलीमर जो टू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट से बनता हो। अगर कोई पॉलीमर्स हमारा सिर्फ वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से बने तो हम उसे होमोपॉलीमर कहेंगे। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सारे किसका एग्जांपल है? ये सारे एग्जांपल है हमारा होमोपॉलीमर्स का। अगर हम कोपॉलीमर का एग्जांपल देखें तो उसका एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पॉलीएमाइड्स हो गए या फिर पॉलीस्टर्स, जैसे कि नाइलॉन 66 में हमने मोनोमर यूनिट यूज़ किया था इथिलीन। क्या था हमारा नाइलॉन 66 में हमारा जो मोनोमर यूनिट था वो क्या था? ठीक है, तो हमारा जो मोनोमर यूनिट था नाइलॉन 66 में वो था हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडीपिक एसिड। यानी इसमें हम दो मोनोमर यूनिट यूज़ कर रहे थे और इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा था, तब हम लोगों को नाइलॉन 66 बन रहा था। यहाँ पे हम लोगों को नाइलॉन 66 मिल रहा था जब ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट कंबाइन हो रहा था। तो हम इसे क्या कहेंगे कि नाइलॉन 66 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखो कि हमारा जो मेलामाइन है वो क्या है। हम फॉर्मल्डिहाइड को तो जानते हैं, हमारा जो दो यूनिट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। अब हम जानते हैं मेलामाइन के बारे में। मेलामाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C3H6N6। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? ट्राई एमिनो ट्राई एजीन। क्यों कहें? क्योंकि हमारा ट्राई एमिनो 1, 2, 3। ठीक है, तो ट्राई एमिनो ट्राई एजीन हम इस नाइट्रोजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्राई एजीन। ठीक है, अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखने देता है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका नाम देखो कैसे करोगे आप, कहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देखो 2, 4, 6 पोजिशन पे एमिनो ग्रुप है, तो हमने लिख दिया 2, 4, 6 ट्राई एमिनो 1, 3, 5 ट्राई एजीन। ठीक है, ये एजाइड नहीं होगा, एजीन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके रिएक्शंस को कि आखिर कैसे हमारा मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम वन मॉलिक्यूल ले लिए मेलामाइन और एक यूनिट हम ले लिए फॉर्मल्डिहाइड। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है इस रिएक्शन में कि ये जो हमारा CO बॉन्ड है ना, ये CO बॉन्ड जो है हमारा वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का होने के कारण ये ऑक्सीजन क्या करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आप इस NH2 को ऐसे ना लिख के आप इसे लिख सकते हो ना NH2। अब देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमने इस अटैक को दिखाया। ठीक है, तो हम इसे अब क्या लिख सकते हैं, ये हमने जैसे था वैसे लिख दिया हमने, ये NH हो गया। ठीक है, ये अभी H को आप यहीं पे रहने दो, ये NH लिख दिया हमने। अब इस CH2O ग्रुप को पूरा यहाँ इस नाइट्रोजन से अटैच्ड कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा NHCH2O। अब ये जो O निगेटिवली चार्ज्ड था उस पर ये H+ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा NHCH2OH। ठीक है, तो ये जो हमारा बना NHCH2OH, ये हमारा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट रेजिन का फॉर्मेशन हुआ। यानी रेजिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ कब? जब वन यूनिट ऑफ मेलामाइन और वन यूनिट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो हमारा रेजिन इंटरमीडिएट है, ये जो हमारा रेजिन इंटरमीडिएट है, इसका एन मॉलिक्यूल्स इसका क्या होगा, पॉलीमराइज होगा। पॉलीमराइज होने के कारण यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिलीज होगा और हम लोगों को मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आइए हम जान लेते हैं। देखो अब क्या होगा कि जब हम सपोज दैट हम दो यूनिट को लेके दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने वन यूनिट ऑफ रेजिन इंटरमीडिएट ले लिया, ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूल्स हम लेंगे इस रेजिन इंटरमीडिएट का। तो जब ये रेजिन इंटरमीडिएट का जो OH है ये दूसरे मॉलिक्यूल के H ग्रुप के साथ, ठीक है, ये पहले मॉलिक्यूल के CH2OH का OH ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का जो NH2 का जो H ग्रुप है, इससे कंबाइन करके यहाँ से वाटर रिलीज होगा।
ठीक है, ऐसे ही ये हमारा चलता रहेगा, फिर थर्ड यूनिट के साथ, फिर फोर्थ यूनिट के साथ। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा H2O का जब रिलीज हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखो NHCH2 OH तो रिलीज हो गया, फिर से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, फिर यहाँ पे हमने दिखाया ये NH, ये NH फिर से OH के साथ कंबाइन करके वाटर रिलीज किया होगा। इस तरह से ये चेन बढ़ता जाएगा, यहाँ से हमने दिखा दिया ये चेन इधर मेरा बढ़ता जाएगा, तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने दिखाया कि ये जो N मॉलिक्यूल्स था हमारा रेजिन इंटरमीडिएट, जब ये पॉलीमराइज हुआ तो क्या होगा, हमारा N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा और क्या होगा यहाँ पे, हम लोगों को मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हम इसे कहेंगे ये क्या है, तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स है, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा जो चेन है वो चलता रहेगा, ये CH2OH यहाँ पे आया, फिर से ये NH के साथ कंबाइन करेगा और इस तरह से चेन बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसे पॉलीमर कहेंगे। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करना लिखने का, तो फिर आराम से आप इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अब देखो इसका यूज़ क्या है, ये जो रेजिन है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो डिनर वेयर्स बनाने में, जैसे कप्स प्लेट्स वगैरह में, ठीक है, किचन सेट वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही हम स्विचेस बना सकते हैं, स्विच बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके कई सारे यूज़ हैं और हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जान लिया, आप एक बार इसे फिर से देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, ठीक है, थैंक यू।